السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

जनाजे के मसाइल के ताल्लुक से कुछ बातें इंशाल्लाह सुनने वाले हैं जैसा कि इससे पहले भी जनाजे के मसाइल के ताल्लुक से मैंने आप लोगों के सामने कुछ बातें रखी है ये जनाजे के मसाइल के ताल्लुक से हर मुसलमान को इसका इल्म होना ज़रूरी है वरना हम देख रहे हैं आज हमारे पूरे माशरे में अक्सरियत ऐसी है जो जनाजे के ताल्लुक से कोई मसले मसाइल नहीं जानती और जितनी जानती हैं वो सब ग़लत बातें होती हैं चाहे वो औरतें हो या मर्द हो अक्सरियत ऐसी ही लोगों की है जितने भी लोग जनाजे में शरीक होते हैं या जनाजे के मसाइल कुछ बोलते हैं या करते हैं उसमें मैं समझता हूँ नाइन्टी परसेंट लोग गलत मसाइल बयान करते हैं गलत तरीके से चाहे वो जनाजे का नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा हो या कफ़न देने का तरीक़ा हो या गसुल का तरीक़ा हो ये तमाम चीज़ें गलत 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 ही करते आ रहे हैं इसलिए मैं आप लोगों के सामने सही अहदीस की रोशनी में कुछ अहम बातें रखने की कोशिश करूँगा जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने सुना था जनाजे के मसाइल के तलुक़ से बीमारी से हम लोगों ने शुरू किया अगर बीमार हुआ तो वो आदमी क्या करें और बीमार आदमी का इलाज कैसे करवाएं जायज़ तरीके कौन से हैं नाजायज़ तरीक़े कौन से हैं और बीमार पुरसी कैसे करना है और बीमार पुरसी करने के आदाब क्या है ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने देखा उसके अलावा अगर कोई मरने के करीब है जिसको इल्म हो गया कि कुछ दिनों के बाद उसका इंतकाल होने वाला है तो फिर ऐसे आदमी को क्या करना है उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि वो आदमी जिसको यकीन हो गया कि अभी उसकी बीमारी से वो शिफायाब नहीं हो सकता है और या किसी का एक्सीडेंट हो गया है या बिल्कुल बूढ़ा हो गया है अब मौत के करीब है तो वह सबसे पहले तो क्या है सच्ची तौबा कर ले और इसी तरह क्या है कि वो वसीयत करे अपने औलाद के ताल्लुक से माल के ताल्लुक से जो भी है वो वसीयत कर दे फिर इसी तरह अगर कुछ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की हो या गलती की हो उन लोगों से माफ़ी मांग ले ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने पिछले हफ्ते सुना था तो बहरहाल अब जो है ना वो जो इंतकाल होने वाला है जिसको मालूम हो गया कि अब उसकी ज़िंदगी क्या है ख़त्म होने वाली है उसमें से एक चीज़ हम लोगों ने यह भी देखा था कि अगर कर्ज है उसका तो वह कर्ज अदा कर दे ठीक है और कर्ज़ देने के लिए अगर पैसे भी नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी बेचे लेकिन वह कर्ज़ पहले अदा कर दे अब जो है ना एक और मसला मरने वाले को करने का क्या काम है उसे मालूम होने के बाद कि अब वो मरने वाला है कुछ ही दिनों में उसका एक काम ये होता है कि वो अपने घर वालों को रोने से मना करे मरने से पहले अपने घर वालों को ये नसीहत करे कि मेरा जब इंतकाल हो जाएगा जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी मैयत पर आप लोग रोना नहीं पहले से नसीहत करे अगर उसके घर वाले वो बयान कर कर के रोने वाले हो वह नोहा करते हुए रोने वाले हो तो उसको चाहिए कि सबसे पहले उन लोगों को नसीहत करें कैसे अब ये रोने के ताल्लुक़ से भी कुछ हदीसें देखेंगे देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया बेशक मैयत को इसके घर वालों के रोने की वजह से अजाब दिया जाता है सही बुखारी की रिवायत है आप थोड़ी देर के लिए पूरी हदीसें सुनिए उसके बाद फैसला कीजिए इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मर गया तो क्या रोना ही नहीं रोना तो आता है ना सुनिए सुनिए और भी कुछ हदीसें सुनाऊंगा उसके बाद इन बात आप लोगों के सामने आप लोगों के सामने बात वाजे हो जाएगी पहली हदीस तो ये है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैयत को जो मर चुका है उसको अजाब होता है घर वालों के रोने की वजह से लेकिन वो कैसा रोना है अगली हदीस से हम लोगों को ये बात समझ में आती है देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में चार काम जाहिलियत के हैं जिन्हें नहीं छोड़ेंगे ये लोग यानी मेरे उम्मत में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो जाहिलियत वाले काम है लेकिन उनको ये लोग नहीं छोड़ेंगे उनमें से एक काम ये है हसब में फख्र करना नस्ब में तान करना सितारों से बारिश तलब करना फिर इसी तरह नोहा करना उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाया अगर नोहा करने वाली मौत से पहले तोबा नहीं की तो खयामत के दिन अल्लाह ताला उसे गंधक का कुर्ता पहनाएगा खारिश की खमीस पहनाएगा यह अजाब उसे मुसलसल होता रहेगा सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक मतलब क्या हुआ ये जाहिलियत के चार काम हैं हसब हाँ में फ़ख्र करना नसब में तान करना किसी के ख़ानदान को देख के ताने देना और अपने ख़ानदान के बारे में बड़े बड़ी बातें करना हम ये ख़ानदान के हैं वो है हम उसके घर में खाना नहीं खाते इसके घर में चाय नहीं पीते इसके घर से रिश्ता नहीं करते हम फला खानदान के हैं ऐसे है वैसे जो फ़ख्र करते ना ये बिल्कुल गलत बात है यह जायज़ नहीं है फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया सितारों से बारिश तलब करना ये भी जाहलीत के कामों से है फिर इसी तरह नोहा करना नोहा करने का मतलब क्या है जिस रोने से मैयत को आजाब होता है वो है नोहा करना नोहा करने का मतलब मारना पीटना क्या है पल्लू गिरा देना और इसी तरह क्या है बाल खोल के रोना नोचना नीचे गिर के लेटना बयान करके रोना ये तमाम चीज़ें चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रोना ये तमाम चीजें नोहे में आती है ठीक है ना तो इस तरह का रोना जायज नहीं है अगर इस तरह के रोना कोई रोते हैं जिसकी जिसके घर में इंतकाल हुआ ऐसा रोने वाले उसके घर में है तो उस मैत को जो मरने वाला है उससे पहले ही ताकीद करना चाहिए कि मैं मरने के बाद आप लोग नहीं रोएंगे इस तरह अगर वो ताकीद नहीं करा मर गया उसके बाद उसकी घर की औरतें अगर इसी तरह बयान कर करके रोती है चीखती चिल्लाती है तो इनके रोने की वजह से उस मैयत को अल्लाह ताला अजाब देता है ठीक है अब एक और हदीस सुनिए जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसुल्ला जायज़ सूरत रोने की असल में जायज़ सूरत क्या है एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि रसुल्ला सात बिन उबादा रजी अल्लाह तन की बीमार पुरसी के लिए गए वो जो सात बिन उबादा रजी अल्लाह है वो बीमार थे वो बीमार थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनकी बीमार पुर्सी के लिए गए तो जब देखा तो उनकी जो बीमारी की शिद्दत थी उस सहाबी की बीमारी की तकलीफ को देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू निकले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोना शुरू कर दिए ये देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने पूछा और सहाबा भी अल्लाह के रसूल सल्ल को देख कर सब के सब रोना शुरू कर दिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा सुनो अल्लाह ताला आंखों से आंसू निकलने की वजह से अजाब नहीं देगा यह रोने की जायज़ सूरत है घर में कोई बीमार हुआ हमें रोना आता है कोई मर गया रोना आता है हम इंसान है पत्थर नहीं है कि हमें रोना नहीं आता है रोना आता है लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोए लेकिन किस रोने से मना करे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर फरमाते हैं आंखों से आंसू निकलने की वजह से अल्लाह तला मैयत को आजाब नहीं देता ना ही दिल के गम की वजह से दिल में गम है तकलीफ है रोना आ रहा है इससे मैयत को आवजाब नहीं होता हाँ इस वजह से अजाब देगा कि अपनी जुबान की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया इस वजह से इस वजह से आंखों से आंसू निकलने से अजाब नहीं देता लेकिन इस वजह से यानी जुबान की वजह से अल्लाह ताला अजाब देता है मैयत को मतलब क्या हुआ कि जुबान से बयान कर कर के जो लोग रोते हैं बातें बोल बोल कर रोते हैं गाने गा गा कर रोते हैं तो ऐसे रोने से फिर मैयत को अजाब होता है यह हदीस सही बुखारी की है फिर इसी तरह एक और सही बुखारी की रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम जब कभी कोई औरत इस्लाम कबूल करने के लिए आती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्ल वसल्लम उसको कलमा पढ़ाने से पहले बैत लेने से पहले उसको यह सवाल करते कि तू इस्लाम तो कबूल करेगी लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद नोहा नहीं करेगी नोहा नहीं करेगी यही चीख चीख के बयान कर करके नहीं रोएगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पूछते सवाल करते जब वो कहती कि हाँ मैं नहीं रोऊंगी तो फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है कलमा पढ़ाते फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है सही बुखारी की रिवायत है अपनी एक बेटी की बच्चे की मौत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है आपने एक नवासे के इंतकाल पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए आंखों से आंसू निकले फिर इसी तरह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला तुम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर रोए सहाबा भी रोते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रोना आता लेकिन आंखों से आंसू निकलना यह गुनाह नहीं है लेकिन जुबान से बयान करना यह गुनाह है फिर इसी तरह हमारे पास तो जो होता है ये रोने का बहुत ही गलत तरीक़ा है ये सिर्फ़ क्या है एक तो गैर मुस्लिमों की सोहबत में रह कर वो लोग कैसे रोते हैं हम भी वैसा रोना शुरू कर दिए या फिर हमारे बड़े बूढ़ियान जैसा रोते चले आ रही वो रोने की भी ट्रेनिंग बाकायदा लेते हैं सीख लेते हैं हाँ रोने का भी तरीक़ा सीख के रोते हैं लोग ये बिल्कुल ग़लत है जैसा कि चूड़ियाँ तोड़ते हुए रोना पल्लू गिरा के रोना बयान कर कर के रोना ऐसा क्यों हुआ ऐसा कैसे हुआ अल्लाह अच्छे लोगों को नहीं देख सकता अल्लाह हमारे साथ इंसाफ नहीं करा अल्लाह हमारे ही बच्चे को उठा लेना क्या दूसरे नहीं मिले क्या इस तरह जबान से तुम जो भी अल्फाज निकालोगे और ऐसे अल्फाज कुछ तो ऐसे हैं जो अल्फाज होते हैं शिर किया अल्फाज होते हैं शिर किया बातें बोलते हुए भी कई लोग क्या है रोते हैं इस तरह रोना जायज नहीं है फिर इसी तरह क्या है हमारे पास तो पूरा रोने का एक सिस्टम होता है बल्कि रोने का एक सेशन अलग अलग सेशन से रोते हैं अगर किसी के घर में किसी औरत का या किसी मर्द का अगर इंतकाल हो गया तो बेटियां तो घर में नहीं रहती जिनकी शादियां हो गई अब बड़ी बेटी आई तो पूरे लोग तैयार होकर देखते बड़ी बेटी आई अब रोने का एक सेशन शुरू हो जाता कैसा रोते देखेंगे थोड़ी देर के बाद छोटी बेटी आए, और आई और भाई आई कहते आई कहते वो चारों पड़ोस सब लोग और जाके रोते हुए देखते हाँ वो कैसा रोती की देखेंगे बोल के हाँ फिर ये रोने की ट्रेनिंग ले लेके रोते अब वो फिर रोने की तारीफ भी होती बाद में है ना क्या रोए जी ऐसा रोए बेचारे हाँ रोने की ट्रेनिंग अलग से रोने की तारीफ अलग से उनके उंगलियां तेड़े जा रहे थे इनकी मुंडी गिर जा रही थी उनके गर्दन तेड़े हो जा रहे थे इनको बीपी बढ़ गई तो रोए बेचारे बेहोश हो गए बेचारे हाँ ये क्या है ये तारीफ रोने की अब ये अरे हमारे को भी बहुत तारीफा मिलती है हम भी रोना बोल उन्हों के उन्होंने ट्रेनिंग लेके आके उन्होंने रोते हैं। वो एक गम की वजह से रोना कम होता है और अक्सर औरतों को देखा गया कि वो रोती हैं तो अपने आंखों पर पल्लू डाल के रोती है मतलब उनको रोना नहीं आता आंखों में आंसू नहीं निकलते खाली चीखते बस दिखावे का रोना होता है ये अलग से समझ रहे हैं ना तो ऐसा रोना बिल्कुल गलत है और ऐसा रोना जायज नहीं है ठीक है ना तो बहरहाल ये मरने वाले को करने के काम में बता रहा था यहाँ तक यानी अगर घर वाले ऐसे रोना रोते हैं तो उन्हें पहले ही क्या है मना करना है उन्हें रोकना है अब उसके बाद मरने वाले की तो ये जिम्मेदारियां थी लेकिन अब अगर कोई मर रहा है तो अब घर वालों की जिम्मेदारी क्या बनती है वो भी देखेंगे अब घर वाले जो मैत के मतलब वो जो बीमार है उसके खरीब है लोग उन लोगों की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये है कि वो कलमे की तलखीन करे वो मरने वाले के अगर करीब बैठे हैं वो खरीबुलमर्ग में है सांस क्या है अब आखिरी सांस चल रही है जैसा कि हम बोलते हैं ना दूध डाल रहे जी उनको पानी डाल रहे अब क्या है कि अब की जबकि की जान बोले जैसा दिख रहा बोल के बोलते ना तो ऐसे वक्त में या उससे पहले से ही जब वो होश में रहता उससे पहले से ही उसको कलमे की तल्कीन करना अल्लाह के रसूल ने फरमाया खरीबालमरग आदमी को इल्लल्लाह की तलकिन करो सही मुस्लिम की रिवायत और जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा अल्लाह ताला हो उसे इंशाल्लाह जन्नत नसीब करेगा तो करने का काम यह है कि उसके करीब बैठकर उसको ज़बरदस्ती करना नहीं है उसको बोलना नहीं है कि बोलो बोलो ला लल्ला ऐसा नहीं है तरीका क्या है आस पास बैठे हुए लोग वो खुद ला इलाहा इल्लल्लाह उसको सुनाई दे यानी वो सुन कर के हाँ मेरे करीब बैठे हुए लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे उसको याद आ जाए और वो खुद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े इस तरह उसके करीब बैठे हुए लोग उसको ला 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 की तलख़ीन करते रहना लेकिन हमारे पास ये भी सिस्टम बिल्कुल बिगड़ा हुआ कोई मरने वाला मरता है तो पूरे लोग जाते देखते और अलग अलग मशवरे देते रहते हैं दूध डालो जी दूध नहीं तो पानी पिलाओ जी नहीं तो ये करो जी नहीं तो उठा के बिठाओ जी और इससे भी बड़ी बदनसीबी और बदतमीज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि अरे आखिरी सांस चल रही भाई इन्हों किससे मोहब्बत करते हैं उनको लेके आओ सामने ठहराओ नवासों को दिखाओ आ, पोतों को दिखाओ ये बच्ची को दिखाओ वो बच्ची को दिखाओ कुछ ऐसे जाहिलों को भी देखा गया ये बेचारी मर रही है इसको जिंदगी में जेवरात से बहुत मोहब्बत थी चलो इसके अलमारी में से पूरे निकाल के जेवरात पिना के माराओ इसको जेवरात पिना के उसको मार देते हैं यानी खुशी मरते वक्त वो कम अज कम जेवर पहन के खुश होना करते ऐसे ये जाहिल और जाहिलियत वाले काम ये नहीं करना चाहिए याद रखो ये जेवरात पिनाना या कुछ और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जैसे ही मरने के करीब आके मछा हाँ कुछ तो भी पूछे कि बात करेगी कुछ तो भी कुछ तो भी बोलेगी मतलब क्या तो भी छुपाए होंगे कहाँ तो अभी दफन करके रखे होंगे खजाना तुम्हारे को बोल देते पूछो पूछो ज़बरदस्ती करते हैं उनको पूछते हैं उनको ना कलमा याद दिलाते हैं हाँ ना कोई उनके पास कोई तरीका नहीं होता है इस्लामी ये जो है ना सिर्फ दुनिया परस्त लोग होते हैं ऐसे काम करते हैं तो मेरे लिए तमाम चीज़ें गलत हैं ठीक है अब हुसन खातिमा की अमामत क्या है यानी अच्छी मौत की अलामत ये शाह एक करके आप लोगों के सामने रखूंगा देखिए अच्छी मौत की यह भी है और इसके अलावा भी हो सकती है लेकिन कुछ चीजें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। से एक चीज़, ने जिसका कलाम ला होगा, वो जन्नत में दाखिल होगा दाऊद की रिवायत अच्छी मौत की निशानी में एक ये है कि वो आखिरी लफ्ज इल्लल्लाह निकाले कलमा पढ़कर जिसका इंतकाल हुआ यह अच्छी मौत की निशानी है फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की मौत पेशानी के पसीने से होती है यह हदीस भी तिरमीज़ी में मौजूद है मतलब अगर किसी के इंतकाल से पहले पेशानी पे पसीना आया हुआ है तो समझो कि यह भी अच्छी मौत की निशानी है फिर इसी तरह के रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया जो भी मोमिन जुमा के दिन या जुमा की रात को मरेगा अल्लाह इसे खबर के फितने से बचाएगा मुस्त अहमद की ये रिवायत है मतलब ये है कि जुम्मे की दुनिया जुमा के रात को मरना ये भी अच्छी मौत की निशानी है फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो उसे मुर्दा मत कहो क्योंकि वह अल्लाह के पास रिजक दिए जाते हैं सही मुस्लिम की रिवायत है मतलब जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है वो भी अच्छी मौत है फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तावुन हर मुसलमान के लिए शहादत है सही बुखारी की रिवायत मतलब एक ऐसी बीमारी जो फैलती है जैसे कि अभी कोरोना को हम लोगों ने देखा एक दूसरे को फैलती है लग जाती है ये ताउन है तो ऐसी बीमारी में जो मर जाता है वो भी अच्छी मौत की कीत है फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो पेट की बीमारी से मर जाता है वो भी शहीद है तो मतलब सही मुस्लिम की रिवायत है ये ये भी अच्छी मौत की निशानी है कि पेट की दर्द की वजह से कोई मर गया है फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहीद के शहीद असल में पाँच किस्म के हैं एक तान की बीमारी की वजह से फिर इसी तरह कोई गर्क होकर मर गया हो फिर इसी तरह क्या है पेट के दर्द से मर गया हो इसी तरह कोई जल कर मर गया हो कोई नीचे दब कर मरने वाला हो ये सही बुखारी की रिवायत है यानी ये सब शहीद है जल कर मरने वाला मतलब खुदकुशी करके मरने वाला नहीं दब कर मरने वाला खुदकुशी करके नहीं याद रखो खर्ख होकर मरने वाला खुद खुदशी करके खुदकुशी करके पानी में डूब के मरने वाला नहीं खुद ब खुद को यह ऐसी चीज़ आ गई है उसे मालूम नहीं था अचानक आग लग गई उसमें जल गया तो ये सब भी अच्छी मौत है यानी शहीद बोले अल्लाह के वसल्लम वो शहीद के दर्जे को तो नहीं पहुंचेंगे लेकिन ऐसा मरने वालों की ये मौत भी एक तरह की शहादत की मौत है तो ये भी अच्छी मौत की ही अलामतें हैं इसी तरह अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया दाऊद की रिवायत है दौरान हमल फौत होने वाली औरत भी शहीद है हमल की तकलीफ की वजह से जो मर जाती है वो औरत को भी अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने क्या है शहीद कहा फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने माल की हिफाजत में कत्ल कर दिया गया वो भी शहीद है सही बुखारी की रिवायत माल की हिफाजत में किसी के साथ लड़ाई हो गई झगड़ा हो गया उसका माल था उसकी माल की हिफाजत करने के लिए या कोई चोर आ गया तो अपने माल की हिफाजत करने में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया ऐसी हालत में अगर कोई मर गया तो ये भी अच्छी मौत है फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपना माल और अपने घर वाले यानी अपने अहलो आयाल के दिफा में और इसी तरह अपने दीन को बचाते हुए और अपने जान को बचाते हुए मर गया वो भी शहीद है अबू दाऊद की रिवायत है अपने घर वालों के ऊपर कोई हमला करने के लिए आया तो ऐसे वक्त में कोई लड़ रहा है कोई औरत है अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ रही है ठीक है ना फिर इसी तरह क्या है कोई अपने दीन को बचाने के लिए कोई कुफ्र करो बोल रहा है ऐसे हालत में काफिर के साथ या मुश्र के साथ लड़ाई हो गई उसको कतल कर दिया गया ये भी शहीद है फिर इसी तरह अपनी जान बचाते हुए कोई जान कतल करने के लिए आया लेकिन अपनी जान बचाते हुए भी खुद भी मर गया तो भी वो क्या है शहीद है ये सब अच्छी मौत की अलामतें हैं लेकिन किसी का चेहरा काला हुआ तो मरते वक्त देख के उसको बुरी मौत समझना या फिर गोरा है मतलब चेहरे पे नूर आया भाई कितना देखो चमकता हुआ चेहरा है बोल के ये समझ के इसको अच्छी मौत समझना ठीक है फिर इसी तरह मैयत हल्की है तो फरिश्ते उठा रहे होंगे ये अच्छी मौत है समझना हाँ ये तमाम चीज़ें क्या है गलत है इसी तरह कुछ लोग ये भी बोलते ख्वाब में आके जो है ना वो मैयत को आज मर गए ना हम उनको ख्वाब में देखे वो रोटी खा रहे थे सूखी रोटी देखो उन्होंने भूखे है इस तरह समझना ये तमाम चीज़ें गलत है फिर इसी तरह हम लोग अभी इस हदीस में जो देखे जुमा के दिन या जुमा के रात को मर गया या फिर इसी तरह क्या है आ, बीमारी पेट की बीमारी की वजह से मर गया या हमल से मर गया जितनी भी चीजें हम देखें यह सब अच्छी मौत की अलामतें हैं लेकिन शर्त यह है कि उसके साथ वो तोहिद परस्त भी हो शिरक करने वाला ना हो शिरक करने वाला अगर वो पेट के दर्द की, की वजह से मर जाए शिरक करने वाला किसी ताउन की बीमारी से मर जाए शिर करने वाला क्या है अगर हमल में औरत मर गई तो फिर वो उसके लिए अच्छी मौत नहीं शिर करने वाले के लिए नहीं होती है अच्छी मौत शिर करने वाला किसी भी अच्छे काम को करते हुए मर जाए उसके लिए वो मौत अच्छी होती ही नहीं है जो मवाहिद कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल करते हुए तोहेद पे कायम रहा अगर वो इन बीमारियों में इन तकलीफों में अगर मर गया तो समझो कि वो अच्छी मौत है उसके अलावा शिर की हालत में मरने वाले की मौत अच्छी नहीं हो सकती अब मर गया मरते वक्त कलमे की तलखीन करना और मरने के बाद क्या पढ़ना है अगर किसी की क्या है मरने की खबर भी अगर हम लोग सुने तो पढ़ना क्या है सबसे पहले इन्ना लाही व इन्ना जो लेकिन हमारे पास ये पढ़ना अक्सर लोगों को मालूम नहीं जैसे सुनो कि देखो फलाम बाजी का इंतकाल हुआ हाँ बोल के गिर जाते हैं ऐसा कैसा हुआ बोल देते अरे अच्छे थे ना उन्हों सुबह बात करें ना कल ही बात करें ना मेरे को ऐसा कैसा मर गए, ऐसा कैसा हो गया ये बातें नहीं जिस किसी की भी अगर खबर सुने मरने की सबसे पहले हमारे जुबान से निकले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना रोज राजिऊन सूरह बकरा आयत नंबर 156 अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह अल्लज़ीना फरमाते असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना रोज राजिऊन जब कभी कोई मुसीबत आती है इन्हें तो वो कह दिया करते हैं कि हम तो ख़ुद अल्लाह ताला की मिलकियत है और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं इन्ना व इलैहि रोज उनका मतलब क्या हुआ कि हम उसी की मिल्कियत यानी अल्लाह की मिल्कियत है फिर उसी की तरफ लौटने वाले हैं और ये पढ़ना भी कब है सिर्फ मैत पर ही नहीं मरने की खबर सुनने के बाद ही नहीं अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमाते हैं जब भी कोई मुसीबत इनको पहुँचती है जब भी कोई मुसीबत किसी भी किस्म की मुसीबत बच्चा गिर गया मुसीबत है बीमारी आ गई मुसीबत है कोई तकलीफ वाली बात सुने मुसीबत है अजी उनको एक्सीडेंट हुआ करते हॉस्पिटल में लेके गए इन्ना व इन्नाजिब पागल हो गए कि उन्होंने मरे नहीं अभी खाली एक्सीडेंट ही छुआ नहीं हर मुसीबत पे पढ़ना है हर मुसीबत पे हमारे पास इन्ना लाला बोले तो वह खाली मर गए तो पढ़ने का क्या हुआ जी तो उन्होंने मारे नहीं अब पिछ कहीं को पढ़ दे रहे मरने के बाद ही नहीं हर मुसीबत पे ये पढ़ो छोटी सी छोटी मुसीबत भी कोई भी चीज़ ठीक है ना तो बहरियाल ये दुआ है सूर्य बकर नंबर वन फिफ्टी सिक्स में अच्छा अब मर गया मरने से पहले कलमे की तलखीम करें मरने के बाद इना ला पढ़ें फिर उसके बाद अगर मर गया तो मरने के बाद मैयत की आंखें बंद करना है मैयत की आँखें बंद करना अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया तुम अपने मुर्दों के पास हो तो इसकी आँखें बंद करो बेशक नज़र रूह का पीछा करती है इब्ने माजा की रिवायत है तो मरने वाले की आंखें बंद कर देना चाहिए क्योंकि रूह का पीछा करती है आंखें देखती है रूह को इसलिए कई लोगों की आंखें खुली होती है तो आंखें बंद कर देना चाहिए फिर इसी तरह मैय को किसी चीज़ से ढांप देना चाहिए कपड़ा वगैरह चादर वगैरह है तो उससे क्या है ढांप देना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ढाँप दिया गया था सही बुखारी की रिवायत है फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैत के साथ जल्दी करो क्योंकि अगर वो नेक है, तो तुम इसे भलाई की तरफ नजदीक कर रहे हो अगर इसके सिवा है तो यह एक शर है अपनी गर्दन से तुम इसे उतार रहे हो। सही बुखारी की रिवायत है। मर गया तो मरने के बाद मैयत के साथ जल्दी करना है अगर मैयत नेक है तो हम क्या कर रहे है? उसको नेकी की तरफ जल्दी ले जा रहे अगर वो बुरा है तो हम अपनी गर्दन से एक को उतार रहे लेकिन हम किसी को यह नहीं बोलना कह रहे ये बुरा है चला भाई इसको जल्दी लेके चलेंगे ये गुनाहगार है जल्दी अल्लाह बेहतर जानता भाई कौन मरने से पहले कब तौबा किया हो कौन नेक बन गया हो अल्लाह की नज़र में कौन नेक है कौन बुरा है हम अपनी तरफ से नहीं बोल सकते लेकिन मैत में देर नहीं करना मर गया तो ज्यादा ख्वा खां के देर नहीं करना इन्हों बाहर से आ रहे उनो ये कर रहे उन ये कर रहे अक्सर लोग यही होता है कि बेटा बाहर से आने वाला है बाप बाहर से आने वाला है बोलकर देखिए रखना जायज़ है नाजायज़ और हराम नहीं है लेकिन बेहतर नहीं है जो भी आता है आने वाला देखने के लिए वो क्या करेगा आने के बाद उठा तो नहीं सकता जिंदा तो नहीं ला सकता जो मर गया मर गया है लेकिन इसमें खाम की देर ना करे देखो ये तो एक अपने ऊपर भी जुल्म होता आज अगर मगरिब में किसी का इंतकाल हुआ है तो लोग क्या करते हैं चौबीस घंटों के बाद कल मकर कल ही शाम तक उसको रखते हैं यानी अब वो बाहर से आएगा उसको टिकट मिलेगा कब छुट्टी मिलेगी कब ये तमाम इंतजाम करके वो आएगा जब तक के लिए घर में जितनी खुतिनें हैं वो रो रो के परेशान जितने मर्द हजरात हैं वो भी परेशान है भूखे प्यासे रहते हुए आरा तमाम नए सोते हुए खुद ये बीमार होते हुए अपने ऊपर जुल्म कर लेते हुए इस तरह क्या है किसी का इंतज़ार करते हुए मैयत को खामखां खां देर करना ये बेहतर नहीं है इसलिए क्या है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया मैयत के साथ जल्दी करो ठीक है अब इतनी बातें सुन लिए अब क्या करना है मैयत का यानी जब वो मर जाते हैं तो मरने के बाद वफात का ऐलान करना है वफात का ऐलान इसलिए कि लोग मैयत में शामिल हो दुआएं कर सके मैयत के लिए फिर इसी तरह क्या है नमाज जनाजा पढ़ सके इसलिए मैयत का ऐलान करना ऐलान करने का मतलब अब वो मैक लेके हर जगह घूमते हुए पुकारना ये नहीं है बल्कि आज तो सहूलत है हर एक वही करते हैं फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं एक दूसरे को बता देते हैं इस तरह क्या है एक दूसरे को बताना ये ऐलान है जैसा कि जैद बिन हारिस रजी अल्लाह या जाफ़र रजील् तैन फिर इसी तरह अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तन जब शहीद हुए तो अल्ला के रसोल सल्लम नेलान किया सही बुखारी की रिवायत है तो जब मैय का एलान हो गया तो फिर क्या है मैयत को ख़बला रुख कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है खबला रुख कर सकते हैं लेकिन कोई फ़र्ज़ नहीं है ज़रूरी नहीं है और क्या है अगर मुँह खुला है बंद कर देना है फिर इसी तरह दोनों अंगोटे जो पैर फैले हुए हैं तो उसको बांध देना ये इसलिए कि मतलब ज़्यादा देर तक रूह निकलने के बाद अगर इसी तरह छोड़ देंगे तो फिर बॉडी बाद में क्या हो जाती है एकदम सीधी हो जाती है टाइट हो जाती है उससे पहले ही क्या है पैरों को खरीब कर देना इसलिए यह बांधना है उसके अलावा कोई और इसके पीछे क्या है मकसद नहीं होता ठीक है ना तो मुँह बंद कर देना आँखें बंद कर देना पैरों को खरीब कर देना है फिर इसी तरह अब देखिए सूग खातिन के लिए सूग का मसला जो है अल्लाह के, के, के रसुल्लाईमान कि रखती हो जायज नहीं है कि वो तीन दिन से ज्यादा किसी का सूग मनाए तीन दिन से ज्यादा किसी का सूग मनाना किसी औरत के लिए जायज नहीं है लेकिन सिवाय शोहर के शोहर के पर औरत चार महीने दस दिन का इसके लिए सूग है सही बुखारी की रिवायत है मतलब क्या है सूग मनाना चाहे अपने बेटे का इंतकाल हो जाए बाप का इंतकाल हो जाए भाई का इंताल हो जाए कोई भी किसी का भी इंतकाल हो जाए अब उसके घर वालों के लिए चाहे वो मर्द हो या औरत हो सूग मनाना सिर्फ तीन दिन है तीन दिन ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन है लेकिन औरत जो होती है अगर उसका शोहर इंतकाल हो गया तो अब सिर्फ उस औरत के लिए जिसका शोहर इंतकाल हो गया वो चार महीने दस दिन तक सूख मनाएगी अब ये सूख कैसे मनाएगी क्या करेगी ये तमाम चीज़ें इन अभी आगे आ रही है उम अतिया रजी अल्लाह तह का एक बेटा फौत हुआ तो तीसरे दिन इन्होंने खुशबू लगाई और कहा कि शोहर के सिवा किसी दूसरे पर तीन दिन से ज़्यादा सूख करने से हमें मना कर दिया गया था सही मुस्लिम की रिवायत तो सहाबिया अमल करती थी इस तरह सगा बेटा मर गया है तीन दिन के बाद खुशबू लगाई सहाबिया और कहती है खुशबू लगाने के बाद कि तीन दिन से ज़्यादा किसी का सूख मनाने से ये जायज़ नहीं है इस इस चीज़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मना करते थे इसलिए अब मैं सूख नहीं मनाऊंगी तो याद रखो अब सूख मनाने का मतलब क्या है याद रखो मेहंदी लगाना नए कपड़े पहनना सुरमा लगाना खुशबू लगाना नए जेवर पहनना ये तमाम चीज़ें जायज़ नहीं है उस औरत के लिए जिसका शोहर इंतकाल हुआ हमारे पास जो होता है कि छत पे नहीं चढ़ना आसमान को नहीं देखना सफ़ेद कपड़े पहन लेना चूड़ियाँ फोड़ देना कोने में बैठना यह तमाम चीज़ें गलत है अगर शोहर के इंतकाल के वक़्त उस औरत के जिसम पे जो जेवर है वो जेवर रह सकते हैं कोई गुना नहीं है ज़बरदस्ती उसको बुला के ले किया कि लोगों के सामने चूड़ियाँ फोड़ देना जेवरात उतार देना सफ़ेद कपड़े पहना देना कोने में बिठा देना ये ये बिल्कुल जाहलीत वाले रस्में है वो औरत जैसी थी उसे रहने दो लेकिन वो औरत जिसके शोहर का इंतकाल हुआ है वो सिर्फ ये काम नहीं करेगी चार महीने दस दिन तक कि अब वो नए जेवरात नहीं पहनेगी फिर से नया क्या है वो मेकअप वगैरह करके नहीं घूमेगी शादियाँ फंक्शन वगैरह में नहीं जाएगी ठीक है ना खुशियाँ नहीं मनाएगी वो अलग से सिर्फ चार महीने दस दिन तक समझ रहे इसी तरह क्या है औरत वो औरत जिसका शोहर इंतकाल हो गया अब वो सूख मना रही है चार महीने दस दिन के अंदर अंदर वो खाना भी बना सकती है लोगों से बातचीत कर सकती है झाड़ू दे सकती है घर के काम काज सब कुछ कर सकती है हर जरूरत के तहत घर से बाहर भी निकल सकती है हमारे पास म इतना कि कई औरतें क्या है फ़ोन करके पूछती हैं कि इनके शोहर का इंतकाल हो गया दो महीने तीन महीने हो गए हैं लेकिन क्या है अब इन्होंने बीमार है हॉस्पिटल जाना या नहीं जाना हॉस्पिटल भी नहीं जाना ऐसा नहीं है ज़रूरत के तहत वो हॉस्पिटल जा सकती है बल्कि अगर उस औरत के घर में कमाने वाला नहीं है उसका खर्च सिर्फ क्या है शोहर की कमाई से ही चलता है अब उसको खाने के लिए नहीं है तो फिर ऐसी औरत नौकरी के लिए भी जा सकती है जॉब भी कर सकती है चार महीने दस दिन से पहले शर्त यह है कि अगर उसके पास फिर खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ला के देने वाले भी नहीं है तो ठीक है ना तो ये सूग मनाने का है फिर इसी तरह शरीर जरूरत के तहत इमरजेंसी में वह घर से बाहर निकल सकती है हाँ इस बात को भी जहन में रखने के बाद एक और चीज तीजा मर गया मरने के बाद ये तीन दिन के बाद तीजे के नाम से लोग क्या करते हैं तीसरे दिन वो क्या बोलते हैं भाई वो कुछ फ्रूट्स लेके और क्या है कुछ वो खाने के मुरमुरे वगैरह पुठाने वगैरह कुछ तो भी ले लेके चले जाते हैं फूल लेके चले जाते हैं ख़बर के ऊपर डालने के लिए चुना लेके चले जाते हैं हाँ लोगों को जमा करते हैं सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के जाके वो खब्रस्तान में जाके फातिहा देके फिर उसी खबर पे बैठ के वो क्या है मौज फ्रूट सेफा वगैरह सब खा के मैयत पर मरने वाला मर गया इनको खाने की दावतें खाने की दावतें कहाँ से शुरू होती है हर चीज़ में जो भी गलत रिवाज है जो भी गलत तरीक़ा है खाने के तरीके सब शुरू हो जाते हैं याद रखो तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें गलत है इसी तरह एक और चीज़ भी याद आई ये भी जहन में रख लो मरने वाला मर गया अब मरने के बाद ये तो तीन दिन के बाद होने वाला ये जो ज्यारत असल में इसको बोलते हैं ज्यारत ज्यारत के नाम से ये करते हैं रिश्तेदार जमा होते हैं ये ज्यारत करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है फिर इसी तरह कई घरों में मुझे कुछ दिन पहले ये सवाल भी आया था क्योंकि अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके अपनी तरफ से लोग पैदा कर लिए ना इसकी दलील कुरान में मिलती है ना हदीस में मिलती है तो लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि अब मर गया वो तीन दिन तक कुछ अलग अलग पकवान पकाना करते मरने के बाद आज ये पहला दिन है तो यही चीज़ खाना सब लोग घर वाले दूसरे दिन सिर्फ यही चीज़ खाना तीसरे दिन सिर्फ यही चीज़ खाना वो दस दिन तक अलग अलग पकवान बना के फातिहा दे के खाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है फिर इसी तरह आ, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि किसी के घर में इंतकाल हो गया तो वह दस दिन या चालीस दिन तक नॉनवेज नहीं खाना गोश्त नहीं खाना बल्कि एक पाबंदी लगा लेते हैं ये बिल्कुल गलत है ये जाहिलियत के काम है ये ये काफिरों की सोहबत में रहते रहते ऐसी हरकतें ऐसे अमाल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है खाने की चीज़ जो है जो हलाल चीज़ है देखिए हमारा दिन ऐसा है अगर आप दूसरे मजहबों को और हमारे अपने इस्लाम को अगर आप देखेंगे वो दूसरे मजहबों में रहता वो 40 दिन के लिए क्या है गोश्त नहीं खाना 40 दिन के लिए क्या है औरतों से दूर रहना वो इतने दिन जो है ना ये चीज़ नहीं खाना ये हराम है ये हलाल है इस तरह बोलते हैं बिल्कुल ग़लत है हमारे पास रमज़ान का भी महीना होता है क्योंकि हम उनकी सोबत में रहते हैं तो कई लोग ये भी सवाल कर लेते हैं अजी रमज़ान का महीना है अंडा खाना कि नहीं खाना है ना मुर्गी का गोश्त खाना कि नहीं खाना ये तमाम सवालत जो करते हैं ये बिल्कुल गलत है ऐसा कुछ भी नहीं है किसी के घर में इंतकाल हो गया खा सकते हैं ठीक है ना नॉन वेज खाओ वेज खाओ कुछ भी खाओ ये हलाल चीज कौन सी भी हलाल चीज़ है तो उसे खा सकते हैं जैसे ही मैयत को लेके चले गए किसी के घर में इंतकाल हुआ मालूम हुआ अब इधर रोने वाले रोते हैं आने वाले आते देखने वाले देखते उधर कफन की तैयारी करने वाले कर लेते हैं कोई खबर खोदने वाले वो करते हैं कुछ लोग उसी घर में रहते हुए वहीं पर खाना बनाना शुरू कर देते हैं इसलिए कि जितने भी लोग महियत में आएंगे उन सबको सबको खाना खाना खा के ही जाना है अब गैर मुस्लिमों का अगर तरीका देखेंगे उनके पास ये होता है वो लोग खाना भी खिलाते उसके साथ साथ शराब भी पिलाते हैं जो भी मैयत में आता है उसको वो शराब पी कर ही जाना होगा इसी तरह मुसलमान किसी के घर में मैयत में गया तो खाना खा खाके निकलता अब बीच उसको लेके जाने से पहले रो रो के, रो रो के रो रो के रो रो के रो रो के क्या है वो तमाम सेशंस पूरे कर लेता अब जाते खुद पेट भर खाना खा लेके सलाम करके चले आता ये गलत तरीक़ा है ये मैत मैत के तालुक़ से ये आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके घर में किसी का इंतकाल हो गया तो उसके पड़ोसी खाना बना के उसको खिलाना उसके पड़ोसी क्योंकि वो में है वो लोग नहीं बना सकते तो उसके पड़ोसी कुछ लेके जाके उसको खिलाओ घर वालों को हम क्या करते हैं उसी घर वाले को रोने वाले रहते अब वो घर के बहुओं को पूछते या जवान मर गया तो बूढ़ियों को पूछते कहाँ है अम्मा चावल कहाँ निकाल के दो दाल कहाँ निकालो किचन कहाँ तुम्हारा बताओ उसके घर से ही चावल दाल सब चीजें जिसके पास नहीं है उन लोग क्या करते हैं गरीबों को आसपास के लोग पूरे चंदा करके जमा के तो भी खाना बना के खिलाते पूरे लोग चले जाना खा के मैयत का खर्ज उतारो भाई मैयत वो क्या कि कंधा कंधा उठाए थे ना उसका कर्ज उतार के जाओ खाना खा के जाओ बल्कि वो दावतों में बुलाए जैसा पकड़ पकड़ के खिलाते कोई नहीं खाते बोले तो नहीं थोड़ा खा के जाओ थोड़ा कहीं को खाते भाई क्या ज़रूरत है मैयत में आए जनाजे में शरीक होने के लिए आए खाना खाने नहीं आए दावत भी नहीं आए याद रखो इस चीज़ को अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल करते हैं नहीं बहुत दूर से आते ना फिर भूख लगती ना अब उनको दफन करे तक जनाजे की नमाज ये तमाम चीज़ें हुए तक बहुत देर लगती ना खाने का टाइम होता ना अरे खाने का टाइम हुए तो भाई आप सफर करने के लिए कहीं पर जाते तो क्या करते हैं? होटलों में नहीं खाते कोई रास्ते में कोई चीज़ मिल गई तो नहीं खा लेते पेट नहीं भर जाता उससे मैयत के घर में ही खाने की क्या जरूरत है यह सिस्टम को बिल्कुल बंद कर देने की ज़रूरत है असल में किसी के घर में कोई इंतकाल हुआ उसके घर में उसके माल से खाना ना बनाए पड़ोसी उसके लिए कुछ लेके आके बना के खिलाए यह जायज़ है इद्दत के तालुक़ से इद्दत क्या है शोहर के इंतकाल पर चार महीने दस दिन है उसके अलावा बाकी सब लोगों के लिए सिर्फ तीन दिन है तीन दिन के बाद कारोबार शुरू कर सकते हैं दुकान खोल सकते हैं ठीक है ना जॉब पे जाने वाले जॉब पे जा सकते हैं हर काम कर सकते हैं हमारे पास किसी किसी की मैयत हो गई बोले तो उन्हें महीना महीना छुट्टी ले लेता काम नहीं करता मर्द भी हो या औरत हो ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं ठीक है ना इस तरह छुट्टियां नहीं ले सकते आप बिल्कुल काम कर ले सकते हैं कारोबार कर नहीं लोग क्या समझते हो अम्मां इतना जल्दी दुकान खोल के बैठे तो इनको कमीज नहीं है लोग पूरी चीज़ें हमारी पूरी ज़िंदगी लोगों की मर्जी से चलती है इस पर मेरा अलग से टॉपिक ही है आप लोग सुने होंगे कि लोग क्या कहेंगे कि डर से हम लोग जिंदगियाँ गुजारते लोग आ क्या समझते हम इतना तो जल्दी काम पे गए तो लोग आ क्या समझते हम अगर ज्यादा नहीं रोए तो इसलिए रोते हैं। ठीक है ना तो ये तमाम चीजें गलत है अच्छा अब क्या करना मैयत को मरहूम नहीं कहना चाहिए एक अहम बात बोल रहा हूं आप याद रखो शायद अक्सर लोगों को यह बात नहीं मालूम इसलिए क्या बोलते वो मरहूम की तरफ से वो मरहूम की तरफ से ये दिया गया ये मरहूम की तरफ से सदका है और इसी तरह किसी का कभी नाम भी लिखना हो तो मरहूम फलां साहब मरहूम फलां साहब मरहूम नहीं बोल सकते मरहूम का मतलब क्या होता कि मरहूम का मतलब होता है कि इस पर रहम किया गया मरहूम का मतलब रहम किया गया आपको क्या मालूम अल्लाह ताला रहम कराए आजाब दे रहा को मालूम है नहीं मालूम तो आप मरहूम नहीं बोल सकते मरहूम फलां साहब किसी के लिए भी नहीं बोल सकते याद रखो हाँ ये बोल सकते हैं कि रहमाहुल्ला रहमाहुल्ला का मतलब क्या होता अल्लाह इस पर रहम करे ये एक दुआ है अल्लाह इस पर रहम करे में फलां साहब अब्दुल्ला अब्दुलरहमान साहब अब उनके साथ रहमाहुल्ला ये बोल सकते हैं लेकिन मरहूम अब्दुल्ला साहब मरहूम अब्दुलरहमान साहब ये नहीं बोल सकते याद रखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक और हदीस सुन लो वो औरत जिसके शोहर का इंतकाल हो चुका है अब वो कहाँ पर इद्दत गुजारेगी अब उसे चार महीने दस दिन तो रहना है लेकिन कहाँ रहना है ये भी एक सवाल आता है औरत जिस जगह शोहर का इंतकाल हुआ यानी शोहर और बीवी जिस घर में रहते थे उसी घर में उसको इद्दत गुजारना है मियाँ बीवी मिल के ससुराल में रहते थे मतलब औरत के ससुराल में रहते थे तो शोहर का इंतकाल वहीं पर हुआ तो उसी के घर में औरत चार महीने दस दिन गुजारेगी लेकिन आजकल क्या हो गया कि शोहर मर गया फौरन क्या है वो मैके को चले जाती हैं औरतें है। नहीं जा सकती अगर कोई ज़्यादा मजबूरी ना हो यानी बहुत ज़्यादा ऐसी मजबूरी है कि बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाली सास है बहुत ज़्यादा सताने वाली क्या है कोई घर में मौजूद है शोहर का इंतकाल हुआ तो ऐसी मजबूरी की शक्ल में वो जा सकती है अपने मई के लेकिन उसके अलावा जिस घर में शोहर रहता था उसी घर में औरत को इद्दत गुजारना है चार महीने दस दिन तक अच्छा ये इद्दत के और सूख के मसाइल हो गए उसके बाद क्या है गसल का जो मसला है मैयत के गसल देने का तरीक़ा क्या होगा और गसल के मसाइल क्या होंगे इनशा एक एक करके भी देखेंगे अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मैयत को गसल देने का सबसे ज़्यादा मस्त इसका सबसे ज़्यादा करीबी है मुस्िन अहमद की रिवायत गसल कौन देगा जो उसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार जो होता है वही मैत को गसल देगा वो मुस्त है लेकिन अगर उसके करीबी रिश्तेदारों में किसी को गसल देने नहीं आता या फिर डरता है या कुछ तो भी मसले है मजबूरी है तो दूसरे लोग भी दे सकते हैं लेकिन मुस्तक तो यह है कि उसका सबसे ज्यादा जो करीबी होता है वही गसुल दे एक शख्स का इंतकाल हुआ तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने कहा इसे पानी और बेरी के पत्ते से गसल दो बेरी के पत्ते से गसल दो का मतलब क्या है गसल देना वाजिब है गसुल देना जरूरी है मैयत को अब ये जो बेरी का पत्ता डालने का मसला है ये सिर्फ सफाई की गर्ज से है ना कि इसके अंदर कोई तासीर है या बेरी के पत्ता डालने से कोई सवाब मिलेगा इस तरह कोई चीज नहीं है याद रखो बेरी का पत्ता जो है साबुन के जैसा काम करता है अगर बेर के पत्ते के जगह साबुन हम इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी है बेर के पत्ते की जरूरत नहीं है लेकिन लोग समझते नहीं भाई बेर का पत्ता थोड़ा तो थो भी डालना वो डाले तो कुछ तो भी अज़ाब से बचता हूँ स्वाव मिलता हूँ ऐसा अखीदा रखना जायज़ नहीं है सिर्फ आप साबुन या शैम्पू लगा दिए काफ़ी है अलग से बेरी का पत्ता डालने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन आसानी के साथ अगर मिल जा रहा तो वो भी क्या है साबुन और शैम्पू की तरह काम करता है इसलिए उसको डालना है अच्छा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसे तीन या पाँच मरतबा या इससे भी ज़्यादा मरतबा गसूल दो सही बुखारी की रिवायत है मतलब क्या है गसल तीन मरतबा दे सकते हैं पाँच मरतबा भी दे सकते हैं फिर इसी तरह अब जहाँ तक गसल देने का मसला है अब इसमें हमारे पास क्या होता है करीबी रिश्तेदार बोले तो हमारे पास एक तो रिश्तेदारों को किसी को आता नहीं गसल देना हमारे पास गसल देने के लिए अलग लोग होते हैं या तो मस्जिद के इमाम साहब होते हैं जो या नहीं तो मौजिन साहब होते हैं अब उनको कुछ पैसे देकर बुला के लाना पड़ता है वही आके गसूल देंगे वो नहीं मिले तो दूसरे गांव से लेके आएंगे लेकिन वही आके गसूल देंगे क्योंकि रिश्तेदारों को घर वालों को कभी ना कफ़न के मसाइल सीखे, कभी गसूल के मसाइल सीखे जनाजे के तल्लु से कभी सीखे नहीं हम दिन से दिन के से, दूर दूर तक हमारे को मालूम ही नहीं है ये मसले मसाइल ठीक है तो इसलिए ये अलग से लोगों को बुलाया जाता है ये बेहतर नहीं है बेहतर ये है कि खरीबी अब उन खरीबी लोगों में घर वाले दे सकते भाई घर वाले औरत अपने शोहर को गसूल दे सकती मानो मैं आपको शोहर अपनी बीवी को गसूल दे सकता है लेकिन हमारे पास मसला ये ऐसा है कि इंतकाल हो गया तो मियाम बीवी देखना नहीं छूना नहीं देखना भी नहीं बोलते कई लोग नहीं अब वो तुम्हारे लिए गैर महरम है तुम देखना भी नहीं बोलते कई लोग लेकिन वही अगर मौलाना साहब जो लोग फतवे देते हैं ना ऐसे जाहिल बहुत सारे लोग हैं हमारे माशरे में अगर उसी मौलाना साहब की बीवी का अगर इंतकाल हो गया उन्होंने आते देखने के लिए मगर अच्छा तुम कहीं को आए मौलाना बोले तो नहीं ये मौलाना साहब जो है ना वो बहन की नजर से देख रहेगा थे उनको ऐसे मसले निकाल के इन लोग देख लेते मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो गया बोलते मर गए तो रिश्ता खत्म हो गया अब तुम्हारा रिश्ता नहीं है हालांकि यह बात गलत है

किसको अपने शोहर अली रजी अल्लाह तू के मैं अगर मर जाऊँ तो अली तुम ही मुझे गसल देना ये दार में भी रिवायत है फिर इसी तरह जब फातिमा रजील् तह का इंतकाल हुआ तो खुद अली रजी अल्लाह तु फ़ातिमा रजी अल्लाह तन को गसल दिए फिर इसी तरह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तन को उनकी बीवी ने गसल दिया मोताइमा मालिक में रिवायत मौजूद है तो इस तरह क्या है मियाँ बीवी एक दूसरे को गसल दे सकते हैं किसी का रिश्ता नहीं टूटता अब अगर बाप का इंतकाल हुआ तो बेटा गसल दे सकता है बेटे का इंतकाल हुआ तो बाप गसल दे सकता है ख़रीबी रिश्तेदार जो हो सकते हैं वो लोग गसूल दे ठीक है हमारे पास ये जो निकाह टूट जाता बोलना नहीं देखना बोलना हाँ फिर इसी तरह बल्कि कई लोग तो ऐसे है जो मैय को छूने नहीं देते छूना नहीं अब दूर दूर आप बिल्कुल नहीं आना अब वो बेचारी मोहब्बत से क्या है बहुत सारे लोग रोते हुए खरीब आते हैं उनको पकड़ पकड़ के रोक के रखते नहीं तुम छूना नहीं अब तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है फिर इसी तरह आ, नहलाने के लिए दूसरे आते अगर कोई नहलाने के लिए आए भी तो कोई रिश्तेदार में से अगर कोई नौजवान लड़की या लड़का नहीं जी हमारे करीबी है हमारे अम्मी हैं हमारी बहन है हम खुद नहीं लाते अगर कोई आए भी तो उसको डरा देते देखो माँ याद रख लेना देख बेटा याद रख लेना गसल का मसला है तुम्हारे बाप के मकफीत का मसला है जर्रा भी सूखा रह गया ना उनकी मकफिरत नहीं होती फिर आता तेरे को गसल के फराज़ मालूम गसल के शर्त मालूम तेरे को कहाँ सीखा क्या है न अब ये पूरे वाले तो डर के अच्छा ठीक है ऐसा हुआ तो जानते दे मोल साबित इतनी ला दे वो ऐसा नहीं है करीबी रिश्तेदार गसूल दे सकता और कई लोगों का तो ऐसा आखिदा होता है कि नहीं उनको बच्चों को करीब नहीं आने देते उनके बेटियों को करीब नहीं आने देते बीवी को करीब नहीं आने देते कई को तुम जाके अगर छूए तो उन्होंने उठ के तुम्हारे को पकड़ लेते हैं या नहीं तो तुम मैयत के करीब बैठे तो वो फरिश्ते अगर तुम्हारे को पसंद कर लिए तो इस तरह का अखीदा रख के बीमार हो जाते ये हो जाते उन्होंने शैतान बन के आते उनकी रूह आ जाती है तुम्हारे को बुखार आ जाती ये तमाम चीज़ें हैं इसलिए तुम मैयत के करीब नहीं जाना छूना नहीं और इसी तरह कई लोग तो हामिला औरतों को खरीब नहीं जाने देते बल्कि मैयत में नहीं जाने देते छोटे बच्चे वालों को भी नहीं जाना अम्मा तुम गए तो कुछ तो भी हो जाता उन्होंने आके पकड़ लेते तो तुम्हारे बच्चों के ऊपर सवार हो जाते ये तमाम गलत अकायद है ऐसे आखिदे नहीं रखना चाहिए उस बिस्तर पर जिस बिस्तर पर किसी का इंतक़ाल हुआ उस बिस्तर पर आप सोने नहीं देते वो चादरें वगैरह पूरे निकाल के बिस्तर पूरा निकाल के बाहर फेंक देते जला देते इस तरह की भी हरकतें करते हैं यह भी ग़लत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहीद के ताल्लुक से जो शहीद हो जाता है अल्लाह के रास्ते में उसे गुस्ल नहीं दिया जाएगा बाकी सबको गुस्ल दिया जाएगा जिस पर गुस्ल नहीं देना है वो सिर्फ शहीद को है लेकिन जिस पर लखब लगा शहीद का जैसे कि मैं इससे पहले अभी बताया शहीद कौन हमल में आ, उस दर्द की वजह से अगर वो मर गई है तो वो भी शहीद पेट के दर्द की वजह से मर गया वो भी शहीद है लेकिन ये शहीद अलग है वो शहीद अलग है तो ऐसे लोग हमल की वजह से मर गए हो या पेट की दर्द की वजह से मर गए हो या ताउन की वजह से मर गए हो इनको ऊसूल दिया जाएगा सिर्फ वो एक शहीद जो अल्लाह की राह में जंग करते हुए शहीद हुआ सिर्फ उसी को गसल नहीं दिया जाएगा ठीक है फिर इसी तरह एक और भी मसला आता है बहुत सारे खवातीन ये सवाल करती है अगर कोई औरत ग देना चाहती है लेकिन हैज की हालत में है क्या वो गसल दे सकती बिल्कुल दे सकती है जायज़ है सऊदी उलमा का फ़तवा कमेटी फतवा मौजूद है कि हज़ा औरत किसी भी मैयत के लिए गसल दे सकती है कोई गुनाह नहीं है ठीक है फिर इसी तरह गसल बोले तो गसल का तरीक़ा तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आगे लेकिन गसल कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ मुश्किल काम का क्या है तकलीफ़ वाला या नहीं तो कुछ तो भी उसमें भूल गए तो कुछ हो जाता होगा नुकसान इस तरह नुकसान वाला कोई काम नहीं है अगर कुछ भी नहीं आता तो पूरे जिस्म को भिगा देना ये भी गसल हो जाता है याद रख लो इसको जिंदों का गसुल जैसा है मुर्दों का भी उसी तरह है कोई अलग चीज नहीं है याद रखो देना बड़ा आसान काम है अच्छा ये के तरीके में जाने से पहले अब आप लोगों को एक एक करके इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा देखिए सबसे पहले मैत का इंतकाल हुआ इंशाल्लाह अगर, अगर अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पर प्रैक्टिकल भी उसकी इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाने की पूरी कोशिश होगी तो याद रखो अगर कोई मर गया है मरने के बाद जैसा कि पहले से तरती भी आदि आँखें बंद कर दिए मुंह बंद कर दिए पैरों को भी अगर अंगूठों को बांधना है तो बांध दिए कपड़ा ढांक दिए उसके बाद क्या है अब उठा के गसूल देना है उठा के लेके चले गए अब क्या है अब वो यहाँ पर बहुत सारे अकीदे ये भी होते हैं नहीं वो क्या है गसूल देने के लिए एक ताखत होना अलग से अब उसी तखते पर उसको लिटाना फिर उसके बाद क्या है वो जो भी गसल का पानी होता है वो ज़मीन के अंदर ही चले जाना वो किसी बाहर नहीं चले जाना नाली में नहीं जाना हाँ वो क्या है पैर चलते सो जगह नहीं जाना ये भी अखीदा रखे वहाँ पर गड़ा कर दिया जाता उसके कपड़ों को उसी में दफन कर दिया जाता ये बिल्कुल गलत अखीदे हैं ठीक है ना पानी वो तो गंदगी है ना हम उसको साफ़ करें वो पानी किधर भी जा सकता है ठीक है ना याद रखो इस चीज़ को तो बहरे तख्त पर लिटा दिए उसके बाद क्या है उसके कपड़ों को उतार दिए अब वो कपड़ों को उतारने में क्योंकि वो मैयत होती है तो आसानी के साथ नहीं निकलते तो किसी खैंची वगैरह से लेके उसको काट दिए ठीक है फिर इसी तरह एक और मसला भी यहाँ पर याद रखो आ, किसी के अगर हदीस भी मौजूद है इंशाल्लाह आइंदा उसकी दलील के साथ मैं बयान करूँगा सोने या चांदी के दांत हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल में फ़तवा मौजूद है इस पर कि अगर किसी के सोने या चांदी के दांत हो तो आसानी से निकल रहे हो तो निकाल सकते इसी तरह ये जो कानों में जो भी बालियां होती है या नाक में जो भी नथनी वगैरह जो कुछ भी होते हैं जिसम पे अगर किसी के सोने या चांदी के कोई जेवरात होते हैं तो उसको आसानी से अगर निकाल सकते हैं तो निकालें अगर नहीं निकालते हैं तो छोड़ दीजिए बहुत सारे लोग क्या है वो खून निकले तक भी उसको क्या है काट काट के निकालते हैं ये गलत बात है ठीक है ना आसानी से निकल रहे तो निकाल देना नहीं तो छोड़ देना उसके बाद उसके कपड़े वगैरह जो भी है वो उतार कर अब उस उसको देने से पहले क्या करना है पेट पे हाथ रखकर मैयत के पेट पे हाथ रखकर गर्दन के नीचे एक और हाथ रखकर दोनों मिलके एक एक आदमी उधर से एक आदमी इधर से मैयत लेटा हुआ है एक हाथ पेट पर पे रखे एक हाथ गर्दन के नीचे रखे और उसको क्या है थोड़ा सा इस तरह उठाना है ताकि पेट अंदर दबे पेट के दबने से क्योंकि इंतकाल से पहले अगर पेट में कोई गंदगी हो तो वह बाहर निकल जाए सिर्फ़ ये एक ही मकसद है उसके अलावा कुछ भी नहीं लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं मैयतों के साथ बहुत ज़ोर से दबाना उसको लगड़ना उसको उठा के टाइट रहती मैयत उसके बावजूद भी उसके साथ ज़बरदस्ती करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है थोड़ा सा हल्का सा पेट के ऊपर हाथ फेरे या दबाए उसके बाद और थोड़ा ज़्यादा क्या है गर्दन के नीचे हाथ रखने से क्या है थोड़ा सा मैत इस तरह उठती है तो उसके अंदर कोई गंदगी रह गई है तो वो साफ हो जाती है इसके लिए क्या है निकालना है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अली रजी अल्लाह तआला ने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया और हाथ फेरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर हाथ फेरा लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या है पेट से कुछ भी गंदगी नहीं निकली जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में पाक थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही वफात के बाद भी पाक थे ये बेही की रिवायत है ठीक है अब अगर कोई गंदगी निकली हो तो उसे क्या है पानी से बहा दें शर्मगाह वगैरह को ना छुए डायरेक्ट इसलिए क्या है हाथों में ग्लव्स वगैरह आज तो आसानी के साथ मिल जाते हैं कोई कपड़ा हो या कोई ग्लव्स वगैरह पहन लेना सबसे पहले यह जरूरी है मैयत का वही तरीका है जो जिंदा का तरीका है जैसे हम लोग जिंदा है कैसे गसूल करते हैं उसी तरीके से मैयत को गसूल देना है कोई अलग नहीं है अब हम जिंदे हैं तो हम ख़ुद पहले क्या है अपनी गंदगी साफ कर लेते हैं लेकिन मैयत साफ़ नहीं कर ले सकती इसीलिए हमको थोड़ा सा पेट को दबा के पानी बहा दिए हो गए उसकी गंदगी साफ़ हो गई तो क्या करना है सबसे पहले क्या है जैसे गंदगी धोना है उसके बाद क्या है वजू कराना है उसको जैसे हम लोग वज़ू कर लेते हैं मैय को भी क्या है पहले हाथ धोएं फिर उसके बाद कुल्ली आप कुल्ली करने के लिए अंदर तो पानी नहीं डाल सकते तो क्या करना है थोड़ा सा उंगली को या कपड़े को भिगा कर थोड़ा सा क्या है इस तरह लगा देना कुल्ली हो गई उसके बाद नाक में पानी डालना है तो किसी कपड़े को गिला करके क्या है नाक में अगर हम थोड़ा सा इस तरह घुमा दिए हो गया नाक में हम लोग जैसे वज़ू बनाते खोतनाक में पानी डालते हैं उसके बाद उसका चेहरा धो दिए फिर उसके बाद क्या है हाथ धो धो दिए उसके बाद क्या है सर का मसा करना उसकी जगह क्या है सर भिगा भी सकते हैं पूरा ठीक है उसके बाद फिर पैर धो दिए ये वजू हो गया ठीक है ना तो पहले जिसम से गंदगी को साफ करें उसके बाद वजू बना दिए अब वजू बनाने के बाद अब उसको क्या करेंगे पूरे जिसम को क्या है पानी बहाएंगे अब उसके बाद आप बेरी के पत्ते से नहलाते या साबुन से नहलाते या फिर शैम्पू से नहलाते जिस तरह हो सकता है आप उसे क्या है नहलाएंगे गसल देने का यही तरीका है तीन मरतबा या पांच मरतबा मैं इससे पहले बताया कि गसल जो देंगे आप तीन मरतबा देंगे या पांच मरतबा क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहदीसों से हम लोगों को साबित होता है एक मर्तबा नहीं देना गसुल तीन या पांच मर्तबा इस तरह दे सकते हैं छः साल का अगर बच्चा है छः साल से भी छोटा बच्चा तो उसको कोई भी गैर महरम ग दे सकता है लेकिन अगर लड़की है तो लड़की को औरत ही गसुल देगी मर्द गसल नहीं देगा इस बात को याद रखें लड़की चाहे कितनी भी छोटी हो उसको औरत ही गसल देगी लेकिन मर्द गसल नहीं दे सकता अब यह जो गसल के मसाइल है इसमें से एक चीज़ ये भी है अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया अब गसल देने के लायक नहीं है या कोई जल गए अब गसल देने नहीं आता तो ऐसे हालत में क्या है तयाम भी करा सकते हैं। तयम करने का तरीक़ा आसान है क्या है जैसे हम तैम करते हैं पाक मिट्टी में हाथ क्या है हाथ रखेंगे उसके बाद अगर कंकर या कुछ तो भी है तो थोड़ा सा झटक देंगे उसके बाद एक मरतबा चेहरे पे एक मरतबा क्या है हाथों पे हाथ फेर देंगे बस हो गया तैयम कुछ भी नहीं अब ये तैम के तरीक़े को लेकर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलत तरीक़ा अब वो क्या है बार बार मारते रहते उसके बाद पूरे वजू की तरह नाक में भी कानों में भी चेहरे को भी पूरे हाथ को लगड़ दे देते दे पैरा ये सब चीज़ें तैयु का तरीक़ा नहीं तैयम का ये आसान तरीक़ा है हम तैम दे सकते हैं मैत को भी और यहाँ पर गसल और कफ़न के और जनाजे के पूरे मसलों में अगर सौ आदमी वहाँ पर ठहरे तो साठ मुफ्तियाँ रहते चालीस आदमी खामोश बैठते यानी सब बोलने वाले जो रहते ऐसा नहीं ऐसा करो ऐसा नहीं ऐसा करो ऐसा नहीं वैसा करो इन लोगों की बातें नहीं सुना ठीक है ना जो सही तरीक़ा है इस तरीके से जो है सो हम लोग गसल दे सकते हैं ये गसल का तरीक़ा हो गया अच्छा गसल के तरीक़े में और भी कुछ चीज़ें हैं ये भी याद रख लो औरत के बाल जो होते हैं ठीक है औरत के के तरीके में औरत के बाल खोलना चाहिए अच्छी तरह उसको धोना चाहिए गसूल देते वक़्त उसके बाद क्या करना है उसके तीन चुटिया बनाकर औरत के बालों के तीन हिस्से बनाकर उसको पीठ की तरफ डाल देना बस यही सही तरीक़ा है इस बात को याद रखना कैसा उम्म आतिया रजी अल्लाह ने नबी करीम सलम की बेटी को गसूल दिया बाल खोले और अच्छी तरह धोया फिर तीन चोटियां बना दी सही बुखारी की ये रिवायत है दूसरी रिवायत भी सही बुखारी की है इसमें उनके बालों को पुष्ट पर यानी पीठ की तरफ ही तीन हिस्से करके बालों के पीठ की तरफ इसको छोड़ देना है बस बाकी कुछ भी नहीं है ठीक है ना अच्छा गसल देने के बाद अगर गसुल हो गया तो जिसम को क्या है एक सूखे कपड़े से पूरा जैसा कि हम लोग गसुल करते हैं सुखा लेते हैं अपने जिसम को इसी तरह मैयत के जिसम को भी क्या है सूखा कर देना चाहिए बाल वगैरह को भी सूखा कर देना चाहिए ठीक है फिर इसी तरह सही बुखारी की एक रिवायत के मुताबिक उम्मे आतिया कहती है कि हम बालों में कंगी भी करें बालों में कंगी करके तीन हिस्से करें उसके बाद पीछे की तरफ बालों को छोड़ दिए तो ये भी जायज़ है ठीक है और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी ने मैत को गसल दी और देते वक्त कोई काबिल एतराज़ चीज़ अगर देखे तो वो इस पर पर्दा डाले इसके बदले में अल्लाह ताला ख़्यामत के दिन इसके गुनाहों पर भी पर्दा डालेगा सिलसिला तो सही हमें यह मौजूद है रिवायत मतलब गसल देने वाला कोई देखा कोई ऐसी एतराज़ करने वाली कोई चीज़ देखा क्योंकि सब लोग को पर्दा करते और मुकम्मल पर्दे में इसको गसल देना है ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये भी एक गलत तरीक़ा है पूरे लोग ठहर जाते ऑन पूरे बीस पच्चीस हदमियाँ ठहर के पूरे चादर वगैरह पकड़ लेके सब लोग देखते हुए ये रहते गलत तरीक़ा है ऐसा ना हो जितने लोगों की वहाँ पर ज़रूरत है सिर्फ वही लोग ठहरे हो सके तो चार दीवारी के अंदर उसका गसल हो सकता है तो सिर्फ गसल देने वाले एक दो आदमी वहाँ पर रहे बाकी सब लोग गसल देते वक्त वहाँ पर ना ठहरे और ना देखे ठीक है ना सतर का जो हिस्सा है वो ना देखे किसी के लिए भी ये जायज़ नहीं है सिर्फ जो गसल देने वाला है वो भी हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन कर क्या है साफ़ सफ़ाई करेगा तो वो भी क्या है टच नहीं करेगा लेकिन फिर भी अगर कोई उसके अंदर काबिल एतराज चीज़ कोई ऐब वगैरह देखा खामोश रहेगा लोगों के सामने बयान करते हुए ना फिरे इसके बदले में अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके गुनाहों पर भी पर्दा डालेगा ठीक है इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैत को गसल देने वाले के लिए गसल ज़रूरी नहीं है सिर्फ हाथ और पैर धो ले बेही की रिवायत है एक सही मुस्लिम की रिवायत में गसल देने वाला गसल भी कर ले यह भी बात है तो मतलब क्या है कोई गसल दिया मैत को चाहे तो वो भी गसल कर सकता है नहीं तो नहीं उसके ऊपर गसल करना वाजिब नहीं होगा गसल देने वाला सिर्फ़ हाथ पैर धो लिया तो काफ़ी है उसको अलग से गसल करने की ज़रूरत नहीं है मैत की अगर मूछें वगैरह बड़े लंबे हैं तो फिर वो कट कर सकते हैं नाखून भी अगर लंबे हैं तो कट कर सकते हैं लेकिन बगल के बाल और ज़ेरे नाफ बाल ये काटना जायज़ नहीं है बाकी नाखून वगैरह काट सकते हैं ये क्या है गसल के पूरे मसाइल है तो अलहमदिल्ला यहाँ तक हम लोग बात को मैय के मसाइल के तलुक़ से अलहद हम लोगों ने समझा तो बाकी जो मसाइल रहेंगे अगले हफ्ते इनशा आप लोगों के सामने रखूँगा कफ़न के जो मसाइल हो सकते हैं फिर उसके बाद जनाजे के मसाइल जो हो सकते हैं इन ये तमाम चीज़ें तदफिन के जो मसायल हो सकते हैं आने वाले इतवार को इनशा और भी इसी तरह आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा मल करने की तोफ़ी फरमाएँ और हम लोगों को हक़ क्या है सही क्या है तमाम मसले मालूम करके उसी तरह जो है ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी फरमाएँ दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब करें आमीन जजाकल्ला कर खैर असल वरहल वबरक